कानपुर एनकाउंटर मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में एक सिविलियन की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कथित तौर पर मिड डे मील नहीं दिया जा रहा, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा वादा किया गया था कि कोरोना के कारण स्कूलों को बंद करने के बाद मिड डे मील दिया जाएगा। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और उन्हें मंगलवार देर रात रांची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए नेशनल सेंटर फॉर सिमोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। ताजनगरी आगरा के क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 पर सड़क किनारे सो रहे लोगों पर एक बेकाबू ट्रक चढ़ गया। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना डिवीजन नंबर 6 में पड़ते गुरु गोबिंद सिंह नगर में बीती रात 2 नौजवानों द्वारा फैक्ट्री वर्कर की बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 7 जुलाई तक कुल 1,04,73,771 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। समाना और आसपास के इलाके में भारी बारिश पड़ रही है। प्रातःकाल से हो रही भारी बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद एक भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।